लग रहा है अब हम कि हम पहाड़ में आ रहे हैं। ये एक शायरी गाने का मन कर रहा है, तो आया तो शायरी सुनाएं। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा रहना, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, देखो भाई पहाड़ों से हमारा टीरी। देखो भाई, हम यहाँ पे ब्लॉग अपलोड करने आए थे और मेरा फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो गया था ना, तो पावर बैंकर मिल गया जीजू का, तो इससे हमने फ़ोन चार्ज करके फाइनली ब्लॉग अपलोड हो गया। और आप कमेंट्स में बताना ब्लॉग कैसा लगा। अजू भाई चले अब भाई, यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा, लास्ट बार ही देख लो, कुछ मज़ा ही अलग है सारे नज़ारे का। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि अभी नाश्ता करना है और पापा का कॉल आए कि जल्दी आ जाओ नीचे, तो यहाँ से चलते हैं। भाई मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, आप देख रहे होंगे ना, एक ग्रीन ग्रीन सा, मतलब क्या ही बताऊं, मतलब जो अच्छा लगता ना भाई। यहाँ से तो अभी निकलना मुश्किल है, आराम से आना है। यस, मतलब अपने पहाड़ों की बात ही अलग है, मतलब एडवेंचर टाइप का लगता है यार। ऐसे पहाड़ दिखते रहेंगे हमारे टीरी साइड, तो टीरी या पूरे उत्तराखंड में दिख जाएंगे आपको, तो विज़िट करना एक बार उत्तराखंड में। हम आ रखे थे जो सामने आपको घर दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पर आ रखे थे हम। मुझे तो ये लोकेशन बहुत अच्छी लगी, तो फिलहाल हम यहाँ से नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। जो भाई कुछ बोलोगे हमारी ऑडियंस को? क्या बोलेंगे, मैं अभी फिलहाल नाश्ता नुश्ता करते हैं फिर मिलते हैं। यस, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस, जैसे पहाड़ों में बहुत ठंडा है, बट अभी धूप आ गई है तो अब ठंडा नहीं लग रहा है। और मैं आपको अपनी सासू जी से मिलाता हूँ। ये हमारी सासू जी है और सासू जी अभी हमारे लिए पकौड़े बना रही थी। मतलब दिवाली में अगर आपने पकौड़े नहीं खाए तो मतलब दिवाली वेस्ट गई आपकी। सासू जी ने हमारी बहुत अच्छी मेहमानदारी करी और मतलब मुझे तो अच्छा लगा यहाँ पे। सासू जी कुछ बोलना चाहोगे आप? फिर दिवाली बा। तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो गाइस, पकौड़ी और चाय हमने खा ली थी और मेगा जी ने नाश्ता लगा दिया, नाश्ता करते हैं और फिर हमें निकलना भी, तो फिर हम चले जाएंगे। मेगा जी भी जा सकते हैं हमारे साथ, तो देखते हैं कैसे कैसे होता है। अज्जू भैया चलो नाश्ता करना है, चलो लेट्स गो बॉयज। तो आज हमारे लिए बना है नाश्ते में भयंकर की चिकन, चिकन चिकन बनाया तो गाइस, मटन सॉरी मटन बनाया, तो मटन खाते हैं। अज्जू भैया आ जाओ, तो मटन खाते फिर आपसे मिलता है, लेट्स गो बॉयज। तो गाइस अभी आ रखे हम ऐसी जगह पे, देख रहे हो भाई, मतलब ऐसे बैठने का सोफे वगैरह में तो कोई भी बैठ सकता है, जो ऐसे बैठा कोई नहीं यार। मज़ा आ रहा है भाई, और जो यहाँ से व्यू आ रहा ना, मतलब मेरा इस वाले ब्लॉग में तो व्यू दिखाने का मन कर रहा है भाई, देख रहे हो आप, मतलब हम बैठ कर हमारे सामने से इतनी अच्छी फीलिंग आ, मतलब फीलिंग अच्छी आ रही है, लेकिन चुप भी रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा। हमारे वहाँ से देख रही है, हाय हेलो। मज़ा आ रहा है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहाड़ी ऐसा भाई, विजिट करके देखना भाई, कभी ऐसी ज़िंदगी जी के देखना आपको कैसा लगेगा, फिर देखना। तो गाइज हम आए थे पहाड़ में और भाई यहाँ का व्यू देख के ना एक शायरी गाने का मन कर रहा है, तो अज्जू भाई आपको एक शायरी सुनाएंगे। तो जमने लगा पानी, बढ़ने लगी ठंड, क्या बढ़ने लगी? ठंड। जमने लगा पानी, बढ़ने लगी ठंड, यहाँ तो अभी भी धूप मिलेगी, जन्नत जो ठहरा अपना उतरा। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लगा, हमारी शायरी कैसी लगी आपको। और फिलहाल हम चलते, लेट हो गया है, ईट साथ ही साथ एक दूसरी शायरी गाने का मन कर रहा, तो आपको अब कहीं और, अब कभी और सुनाएंगे जू भाई जब मिलेंगे हमको। मेगा जी थोड़ा सा धर्म संकट में पड़ गया, मेगा जी सोच रही कि यहाँ रहूँ कि नीचे जाऊँ, क्योंकि आज बड़ी दिवाली ना, तो हाँ मतलब रहना पड़ता ना घर वालों के साथ। भाई क्या शिक्षा दे रही है भाई, शादी करनी चाहिए, मत करना। मैं तो बोल रहा हूँ मेरी, तो पता कैसे करना कि दोनों फैमिली साथ में रहे। मैं तो सोच रहा हूँ मेरी शादी कब होगी, जल्दी जल्दी यार मिल मेरी मेरी शादी करवा। तो मेगा दी भी जा रही है हमारे साथ, तो देखते हैं क्या होता है। अभी हमारी स्कूटी थोड़ा गंदी हो गई थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा धो लेते हैं, तो इसे धो रहे हैं आराम से। आई मेगा जी अपने ससुराल से मायके जा रही है। और अज्जू भैया नीचे चले गए, तो आगे हम आपको मिलते हैं फिर। मेगा जी को बहुत बेकार लग रहा है, मेगा जी जा रही है ससुराल। तो गाइस हम एक लोकेशन पे रुके हुए हैं भाई, पीछे का व्यू वाला चेक करो आप, कितना मस्त लग रहा है भाई, मतलब लग रहा है अब हम कि हम पहाड़ में आ रखे हैं।
मेघा जी मस्त लग रहा ना अज्जू भैया, कैसा लग रहा? एकदम फायर भाई। ये वाला व्यू ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से तो मतलब ये रोड अभी बनी रही है, तो उत्तराखंड सरकार थोड़ा काम बहुत स्लो करती ना, तो बनेगी रोड तो और अच्छा लगेगा। मैं हाँ तो अच्छा लगेगा, मतलब ये रोड सही हो जाएगी ना, तो बस तब तो हमारा आना जाना लगा रहेगा। तो गाइस हम अपने घर पहुंच गए हैं और मेघा दी को कैसा लग रहा है यहाँ पे? सॉरी हम आए थे अपनी शॉप पे, और आपको पता है कौन आ रखा है घर पे? मम्मी मुस्करा रही है। पता है कौन आया? मेघा दी। हाँ खुशी हुई है मम्मी आपको, मेघा दी आ रही क्यों ड्राइंग करवा दी। हाँ तो आपको जाना पड़ेगा घर, अब चौमिन हम खा लेंगे, हम देख लेंगे फिर। तो गाइस अभी आ रखे थे हम छत में, और जैसे कि आपको पता है दिवाली है ना, तो दिवाली में डांस ना तो कुछ मज़ा नहीं आता। आर ओ सी की मैम ने बोला कि मतलब एक वीडियो बना के इसके स्कूल में भेजनी है, तो यहाँ पे आर ओ सी डांस करेगी। और मैं सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी बहन से मिलवाता हूँ, इसको तो आप जानते ही होंगे क्योंकि ये डेली आपको दिखती है व्लॉग में। और उसके बाद हम मिलाते हैं आपको अपनी नानी से, नानी को भी आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा है, तो नानी तो हमारी बहुत खतरनाक है आपको पता ही है। और इसके बाद हम आपको मिलाएंगे अपनी मामी से, और ये हमारे अज्जू भाई की मम्मी है, तो ये हमारी ऑडियंस है। और इसके बाद हम मिलाते हैं अपने मामा से, तो ये हमारे सबसे छोटे वाले मामा है, तो दिवाली मामा ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी हमारी, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमारी फैमिली हमें बहुत सपोर्ट करती है। और इसके बाद हम मिलाएंगे अपनी छोटी वाली मामी से, तो छोटी वाली मामी ये हमारे छोटे वाले मामा की वाइफ है। तो मामी हमारी वैसे चमियाला की है, तो मामी से मतलब अच्छा लगता है, मतलब मामी से मिल गया तो मतलब मामी के साथ हम बचपन से रहना, तो मतलब बड़े वाले भाई को तो मामा मामी ने पाला बचपन से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब। और इसके बाद मिलाते हैं अपनी मम्मी से, और मम्मी को भी आपने जैसे पिछले वाले ब्लॉग में देखा ही है, तो आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर रहे थे मम्मी के लिए। और अब मिलाते हैं अपने पापा से, हैप्पी दिवाली। पापा तो मेरे मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं पापा से। और अब हम यहाँ पे आरसी का डांस देखेंगे, अगर आपको डांस पसंद आएगा तो अच्छा। भाई भाई बोलिए, ये हमारे बड़े वाले मामा के लड़के हैं, और अज्जू भाई से, अज्जू भाई का क्या बोलना, अज्जू भाई तो एकदम मतलब फ्रेंडली है, मतलब लगता नहीं जैसे भाई होगा, मतलब ऐसा लगता है जैसे दोस्त की तरह रहता है अज्जू भैया। तो अज्जू वैसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, और एक भी लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर। और एक और लड़के से मिलाना मैं आपको भूल गया, तो ये हमारे छोटे वाले मामा का लड़का है, इसका नाम है आयुष पवार, ये टीरी रहता है, तो मतलब ये भी हमारा छोटा भाई है, मतलब बहुत अच्छा लगता है सबसे मिल के। और अब आयुष ही आपको डांस करके दिखाएगी, और अगर डांस पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना। डांस ओवर हो गया, तो आरसी कैसा लगा? आरसी बोल रहा हूं। तो गाइस कैसा लगा आपको डांस? एक नानी कैसा लगा आपको डांस का? है नानी एकदम क्या क्यूट, नानी क्यूट। मामी कैसा लगा आपको डांस? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेघा दी अच्छा किया। हाँ मेघा दी कैसा लगा डांस? आयुषी ने बहुत अच्छा डांस किया है, वो मतलब स्टेप भी मतलब छोटी मम्मी बहुत अच्छा कर लेती है, मतलब खुद से सीखा उसने, खुद किया है उसने डांस। हाँ ऐसे मामी को सिखाना चाहिए था, मामी क्या है पहले मामी को सिखाना चाहिए, खुद ही नहीं आता था। पापा आपको कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा।
अब हम एक फैमिली फोटो खींचते हैं। देखो लाइक करना, शेयर करना और इसको इस वीडियो को स्किप मत करना। स्किप मत करना। आयुष एक कारनामा करके दिखाएगा तो देखते हैं आयुष कैसा करता है। आयुष मामी को देखो क्या कर रहा हूँ मैं। ओ भाई मामी सब आ गए हो। हैप्पी दिवाली सबको। हैप्पी एक बार सब हैप्पी दिवाली चिल्ला दो मैं आएंगा। सब साथ है, मतलब सब साथ है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। एक बारी ढंग से बोलो ना तुम सब। साथ साथ में नहीं बोल, साथ में बोलना है। अजू भैया हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे यार नहीं रुको, घुमाने की बड़ी जल्दी। ये लो चलो घर चादर गिरेड़ी। आरुषि आपका डांस बहुत अच्छा था यार, मुझे बहुत पसंद आया। गाइस हैप्पी दिवाली। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाय, थैंक यू। क्या किया यार फोटो? ओ भाई मेरे पर कैन निकल गई। देखो गाड़ी भाई दीदी फोन पकड़ना यार। क्या हुआ कैन का हाल बता। ओहो कुछ नहीं हुआ। अरे बड़ा बम था मां, मैं आउटर लेयर फट गई उसकी। रोहित ले रहे हो, इधर पकड़ रोहित। रोहित ये वाली, ये वाली रोहित उधर हाथ से हमारी तरफ ही मत फेंकना। रिस्क रिस्क आयुष रिस्क। आज तो हंस रहे तू, ओ भाई पैसे खराब। अबे अभी अभी नहीं बनाना, पागल है क्या? पैसे करवाएगा वो क्या? आपको तो मैं ऐसे भी डाल देता हूँ। क्या भाई ऐसे कर दो, ऐसे नीचे कर दो। ये भी नहीं दिखना। अरे बाबा इसको ऐसे कर दो, छोटी है हो जाएगा। वो बना नहीं होगा, नहीं होगा, चल जाएगा। अब वहीं पे बंद हो जाएगा तब ब्रांड हमने यहीं पे फोड़ना फोड़ने वाला, फोड़ने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ती मेरे को नहीं लगती है डर, फिर से नजर लग गई। तो गाइस अभी हमारी गैंग जा रही है पटाखा फोड़ने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने डालेंगे हम बड़ा बम। ये हमारे कम से कम 1.5 लाख का बम होगा। मिस्टर इंडियन हैकर से चलाया हमने वही। अरे पहले उसके अंदर डालो ना। अंदर वो अंदर भाग जाएगा। नहीं भागता अंदर, सगो नहीं होता है आपके भाग। डब्बा देखने जा रहे हैं भाई। भाई चितड़े चितड़े चिके भाई। ये हमारा डब्बा। ओह माय गॉड डब्बे का सही क्या हो गया है।